उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के आज तीसरे दिन समान नागरिक संहिता यूसीसी पर चर्चा जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही यूसीसी को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष यूसीसी विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने पर अड़ा है। विपक्ष का कहना है कि वो यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मसौदे में कुछ संशोधन होना अब भी जरूरी है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर सदन में कई सवाल उठाए और इसे यूसीसी विधेयक से हटाने को कहा। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पीसीएस की भर्ती परीक्षा को लेकर आंदोलन करने वाले युवाओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर कहा कि ये अब तक पूरी नहीं हुई है। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी युवा भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उनके मुकदमे हर हाल में वापस होंगे, लेकिन सरकार गुंडे बदमाशों के मुकदमे वापस नहीं लेगी। जनसंख्या कानून अगर 1992 वाला ठीक है तो क्या ये हम मानेंगे कि एक विशेष समुदाय को इसका जबरदस्ती हम जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसमें उदाहरण के तौर पर अगर पत्नी मर जाती है और पति को सास ससुर की जिम्मेदारी निभानी पड़ जाती है तो क्या वो जब अपने ससुराल में जाएगा उसका उसके सालों से उसके परिवार वालों से विवाद नहीं होगा? जब यूसीसी का ड्राफ्ट ले हो रहा था तो सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम साथी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर